दमदार और अनोखे अभिनय से लोगों के दिलों में अपनी खास पहचान बना लेने वाले अभिनेता मनोज वाजपेयी का कहना है कि वो अपनी फिल्में नहीं देखते। उनका कहना है कि वो अपनी फिल्में देखने से डरते हैं। हाल ही में मनोज अपनी आने वाली फिल्म अय्यारी के प्रमोशन के दौरान एक इवेंट में पहुंचे थे। इवेंट के दौरान बातचीत में उनसे पूछा गया कि क्या वो अपनी फिल्में देखना पसंद करते हैं, तो सुनिए इस सवाल का उन्होंने क्या जवाब दिया। मैं अपनी फिल्में अमूमन देखने से घबराता हूँ, मैं सिर्फ कमी देखता हूँ। इट्स ऑलवेज क्वाइट हम्बलिंग फॉर एनी एक्टर इन दिस वर्ल्ड, यू नो, व्हेन गुड डायरेक्टर्स लाइक मिस्टर पांडे, यू नो, ही ट्रस्ट यू, ही हैज फेथ इन यू, आई नो, एंड वी आर, आई मीन वी more than just, you know, director and actor now. We collaborate in a very indirect way also. Sometimes he just, he gives me so much respect by just sending any script to me for my opinion. So it's a relationship now of two friends, and where none of us is expecting anything from each other. You know, we are always looking for इस दौरान मनोज वाजपेयी ने बातचीत में लोगों से अपने अनुभव शेयर करते हुए कहा कि एक्टिंग सबसे मुश्किल काम होता है। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में अपना कदम रखा तो वो अपने घर वालों से छिपकर एक्टिंग करते थे, क्योंकि उनके घर वाले चाहते थे कि वो आईएएस पीसीएस बने। हमने जब एक्टिंग शुरू की थी तो हमने अपने घर वालों को बताया भी नहीं था कि हम थिएटर कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगा था कि ये लोग डिसोन कर देंगे और फिर अनाथ की तरह रहना पड़ेगा। नहीं, इनका भी कुछ ऐसे ही प्लान है वैसे। मैंने हमें कहा था कि यार अच्छे पढ़ाई लिखाई कर लो, आईएएस आईपीएस बन जाओगे तो यार कुछ पैसा आ जाएगा घर में, तो एक्टर बनने का कोई सोचता भी नहीं था। और आज भी मुझे लगता है कि एक्टर्स जो हैं शुरुआती दौर में उनको उतनी इनकरेजमेंट मिलती नहीं है अपने समाज से या अपने परिवार से। बहुत ही कमाल की मतलब प्रोफेशन है, एंड इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट वर्ल्ड, मोस्ट डिफिकल्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। इसमें सर्वाइव करना, जैसे कि पांडे जी कह रहे थे अय्यारी की बात की, जी सर्वाइव करना जो है वो बहुत ही टेढ़ी खीर है। और पता नहीं इतने से कितने लोग वो हिंदी जानते हैं, लेकिन इसमें भैंस की चमड़ी होना बहुत जरूरी है। इस दौरान जब मनोज से पूछा गया कि वो लड़कों को डेटिंग के लिए क्या टिप्स देना चाहते हैं, इस बात पर उन्होंने बड़े ही मजेदार अंदाज में कहा कि वो ये बता सकते हैं कि जब आपको कोई लड़की रिजेक्ट कर दे तो क्या करना चाहिए। देखिए, मुझे वो टिप आता है कि जब आपको रिजेक्ट कर दिया जाए तब आप क्या करेंगे। आपको कौन रिजेक्ट कर सकता है? उसका जो है बस एक ही टिप है, अंदर में सोचिए करारा जवाब मिलेगा। Person, aren't you? You're a very sensitive person, very emotional. So what would be your advice to them on how to go get their girl? And you were asking the wrong person. Because, sir, Neeraj sir, why don't you give us a shot? I think both of us are wrong people. Both of us are wrong people. Thank you. How so does much. That work? अभी एक ही जो मुझे बात समझ में आई और जहाँ पे लगा कि अरे यार मैंने वेस्ट कर दिया टाइम, वहाँ पर ये लगा बाद में समझ में आया कि अरे लड़कियाँ भी चाहती हैं कोई आके बोले, और हम लोग डरते भी रह गए। हम लोग डरते रह गए और लड़कियों की शादी होती चली गई। तो एडवाइस ये है कि डरो मत, वरना लड़की की शादी हो जाएगी। इस मौके पर फैंस के डिमांड करने पर मनोज ने अपनी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के कई डायलॉग्स भी सुनाए। बोली हजरात हजरात हजरात, बड़े अफसोस के साथ ये कहा जाता है कि कल शाम एक वासेपुर की लड़की को अगवा कर लिया गया है। अगर 24 घंटे में लड़की अपने घर नहीं पहुंची तो इस इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। और रामाधीर सिंह के पूरे खानदान से रंटी का नाच नचाएंगे। हजरात हजरात, जब आप कहोगे कि कह के लूंगा, रामाधीर सिंह के पूरे खानदान को हर दिन सीढ़ी चढ़ते हुए हमको देखा नहीं जाता। गोली नहीं मारेंगे साले को।
कह के लेंगे। इतना ही नहीं, इस मौके पर मनोज ने फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर से जुड़ा अपना एक सीक्रेट भी शेयर किया जो शायद अब तक किसी को भी नहीं पता होगा। वो इतना बदमाश आदमी है, उसने कहा कि बाजू भाई आपको इस फिल्म में सिगरेट बीड़ी पीनी है तो आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। मुझे बीड़ी की आदत लग गई, लेकिन उसने बाद में जाके बोला कि नहीं, मुझे नहीं लगता सरदार खान बीड़ी पिएगा। बहुत बदमाश आदमी है, इट्स ट्रू, बहुत बदमाश। वो बीड़ी छोड़ते छोड़ते जो है, अभी बस एक साल डेढ़ साल पहले मैंने बीड़ी छोड़ी है। Yes. और मैं सबसे छुपा के बीड़ी पीता था, नहीं तो लोग एक आध बार शूटिंग पे एक स्पॉट बॉय आया, उसने बगल में आके मुझे मेरे कान में बोला कि सर आप बीड़ी पीते हुए अच्छे नहीं लगते। बॉलीवुड अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना।